Hello everyone, welcome to our YouTube channel, My View My Channel, in association of Teaching Point. Like, subscribe, comment, visit our website www.teachingpoint.org.in. Section A, JEE Mains 2023, January Attempt, Second Shift, 29 January 2023 का पेपर है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8 है. द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट इज, हमें बताना है कि सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट क्या है. ये चार स्टेटमेंट दिए और ये चार ऑप्शन इसके दिए. तो सबसे पहला पूछा है कि मैगनीज एग्जिबिट प्लस 7 ऑक्सीडेशन स्टेट इन इट्स ऑक्साइड. तो ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि देखो सभी ने सुना होगा Mn2O7 के बारे में, जहाँ पे मैगनीज की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है वो क्या है, प्लस 7, और ये एक ऑक्साइड है. ठीक है, फिर सेकंड स्टेटमेंट, इसका मतलब स्टेटमेंट वन ठीक है. स्टेटमेंट टू में क्या लिखा है, रूथियम एंड ऑस्मियम एग्जिबिट प्लस 8 ऑक्सीडेशन स्टेट इन देयर ऑक्साइड. तो आपको पता है, आप सभी ने पढ़ा हुआ है RuO4 एंड OsO4, तो इन दोनों में ही जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो प्लस 8 आ रही है. तो इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट भी राइट है. थर्ड की अगर हम बात करें, स्कैंडियम शो प्लस 4 ऑक्सीडेशन स्टेट विच इज ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर. तो भाई आपको पता है कि जो स्कैंडियम है उसका एटॉमिक नंबर 21 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, आर्गन 18, 4s1, 4s2, 3d1. तो इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं. तो अब 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो ये 4 कैसे लूज कर सकता है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है. ठीक है, नेक्स्ट है CrO शो ऑक्सीडाइजिंग नेचर इन प्लस 6 ऑक्सीडेशन स्टेट. आपको पता है कि जो क्रोमियम की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, प्लस 6, और प्लस 6 से ऊपर तो जा नहीं सकता, इसलिए क्या शो करेगा, ऑक्सीडाइजिंग नेचर. तो इसका मतलब क्या है, स्टेटमेंट 1, 2nd और 4th ठीक है. तो 1, 2nd और 4th किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में आ रहा है. तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, राइट आंसर होगा. इज दैट पॉइंट क्लियर?